सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। और हमारे यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो उसके लिए हम एक मशीन लेके आए हैं, जो कोई उससे तार वगैरह काटते हैं, उसको ग्राइंडर बोलते हैं, और उससे काफ़ी कुछ कट जाता है, टाइल्स पत्थर वगैरह कटते हैं। तो चलिए हम उसको लेके आए हैं, तो हमने सोचा उसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों, ये रहा इसका बैग, और चलिए हम इसको ओपन करके हम आपको अभी दिखाते हैं। और देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये जो आपको येलो कलर में मशीन दिख रही है, तो यही वो मशीन है, और इसको ग्राइंडर बोलते हैं। और इससे क्या है, सरिया वगैरह कट जाते हैं, और कहीं घिसाई वगैरह करनी है तो वो सब हो जाता है। ठीक है, ये पावर ऑटो पावर कंपनी का है, मतलब कोई हाई कंपनी तो नहीं है, बट नॉर्मल है। तो इसको साइड से भी हम आपको दिखाते हैं। तो और हम इसको चलिए ओपन करते हैं, और ओपन करने के लिए अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, ऐसे ही खोल देते हैं, और यहाँ से खोल कर देखते हैं, अगर नहीं खुल रहा है तो इसको काट देंगे। अरे हाँ, निकल गया है, चलो इसको निकाल देते हैं, इसको हटाते हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये देखो, सबसे पहले ये जो है, तो ये क्या है, टाइल्स वाला है, पत्थर वाला है, इससे क्या है, टाइल्स पत्थर वगैरह कट जाएगा, घिसाई हो जाएगी सभी प्रकार की। ठीक है, तो इसका रेट है जो ये हमको 110 रुपए में मिला है अपने लोकल मार्केट में। ठीक है, और इससे अच्छे भी क्वालिटी के थे, और इससे नॉर्मल भी क्वालिटी के थे, बट क्या है, जो मतलब जो हमारे कारीगर ने बोला, हम वही लेके आए। और ये दूसरा है, और ये है उसके लिए, लोहा के लिए घिसाई भी हो जाएगी और कटाई भी हो जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार की लोहा से। तो चलिए हम इसको रख देते हैं और निकालते हैं, और इसमें क्या क्या आइटम है। और ये है इसका कवर, इसको लगाने से क्या है, इसका जो मतलब ये पत्ता होता है वो टूट के हाथ में ना लगे, इस वजह से। ये इसका हैंडल है, हैंडल रख दिया। और ये है मशीन, चलिए मशीन निकाल के आपको दिखाते हैं। और काफ़ी वजनदार है, इसलिए ये कुछ इस तरीके का, ये एक पेपर है, वो क्या बोलते हैं, इसका यूजर मैनुअल है, और इसमें चाबी है, तो चाबी का भी हम दिखाएंगे। फिलहाल हम इसके पन्ने निकाल देते हैं, और पन्ने निकाल के हम आपको अभी दिखाते हैं कि कैसा है। देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है, और ये येलो कलर में है, और इसकी कंपनी का नाम है ऑटो पावर। और ये जो बटन है, देखने में कुछ इस तरीके का है, आप लोग देख लीजिए, ये ऑन और ऑफ़ का बटन है, पीछे साइड दिया गया है इसमें, ऑन और ऑफ़ का। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम बताते हैं इसमें क्या है। 220 AC वोल्ट है, और इसका जो वाट है वो है 850 वाट, है नहीं, और 11000 RPM में ये घूमता है। ये वो कंपनी जो वहाँ से लिया है, वो दुकानदार बता रहा था। ठीक है, और ये इसकी डिटेल है, और ऑटो पावर कंपनी है, ज़्यादा हाई कंपनी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस काफ़ी नॉर्मल है इसकी, 1500 का बोला था उसने, फिर हम इसको 1300 में लाए थे। ठीक है, और ये इसका हैंडल है, आप यहाँ पे कर सकते हो, और इस साइड भी कर सकते हो नीचे। तो इसका जो हैंडल हमने हटा दिया है, क्योंकि इससे पहले हमें ये कवर लगाना है, तो ये कवर कुछ इस तरीके से लगेगा, और इस कवर से काफ़ी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि ये आपका जो, अगर आप लोहे का कुछ काटोगे तो उसमें क्या, चिंगारी निकलेंगी। ठीक है, चिंगारी निकलती है, तो उसमें के हाथ में ना लगे, इस वजह से ये कवर दिया गया है। और वैसे भी अगर आपका कहीं टूट जाए, है नहीं, ये पत्ता वगैरह तो हाथ में ना लगे, इसके लिए काफ़ी अच्छा है सुरक्षा के लिए, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास है तो ये ज़रूर लगाएं, इसके बगैर आप इसको यूज ना करें। तो चलिए हम इसको अभी क्या नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो मिस्त्री है वही लगाएगा, है नहीं, वो लेने वाला था, तो हमने उसको कहा अरे बाद में काम कर लेना, पहले हम इसकी एक वीडियो बना लें, फिर आप इसको यूज में ले लेना। तो इसका हैंडल है, अब हम हैंडल इसका कस देते हैं, दोनों साइड कस जाता है, इधर भी और ऊपर साइड में भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कसता है, आप देख सकते हो। और ये जो पत्ता है, ये लोहे का है, मतलब सरिया वगैरह और लोहे की कोई कटाई छटाई घिसाई हो तो ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से लगता है, और इसको हम कस देते हैं। ठीक है, इसको कसने के बाद ये उल्टा, अरे ऐसा था, हाँ ऐसा कस देते हैं, फिर इसके बाद में क्या है, ये ऊपरी भाग है, ये नीचे रहना चाहिए, ताकि ये पूरा पकड़ बना के कस पाए, है नहीं, हाँ इस तरीके से, अगर आप उल्टा कसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसा कसते हैं, ये इसका ऊपरी वाला भाग है वो नीचे होना चाहिए। और इसकी चाबी भी है, हम अभी चाबी भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसे कसती है। ये रही इसकी चाबी, तो चाबी क्या, ये दोनों खांचों में फंस जाती है,
और आप पत्ते को पकड़ के थोड़ा सा टाइट कर दो, बस हो जाएगा टाइट। और इसके नीचे एक ब्लैक कलर का बटन है, अगर आप उसको दबा के टाइट कर दोगे तो और भी अच्छे से कस जाएगा, जैसे वो उसी तरीके से कसता है। तो हम प्लीज़ इसका हैंडल देखते हैं, इधर भी लगता है इधर भी लगता है। हाँ, अगर आपको जहाँ पे भी आपको मन करे वहीं आप लगा लीजिए हैंडल। काफ़ी स्ट्रांग मशीन है और इसमें काफ़ी वजन भी है, इस तरीके से ये चलती है। अगर आप पावर में लगा दोगे तो ये काम करने लगेगी। तो इसमें कई प्रकार के, हाँ कई प्रकार के आप इसमें वो लगा सकते हो पत्ता, जो कि ब्लेड बोलते हैं उसको। और अगर हम ये बोर्ड में लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगी। तो चालू करके तो देखना नहीं है क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है, अभी चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हम इसको अभी मिस्त्री को दे देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।